पहले की लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली सिंपल होती थी, मगर अभी बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। पहले भी वास्तु इफेक्ट करता होगा, बट लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान देते थे? जब एक चीज जो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, वो आपके घर से बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर है, और अभी वो आपके रूम के साथ ही अटैच है, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी वाटर एक्टिविटी हो रही है, कोई भी वाटर बॉडी आ रही है, तो क्या वो हमारी वेल्थ को इफेक्ट करेगी? साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट की दिशा है। पहले के टाइम पे लोग बेसिक वास्तु फॉलो करते थे, डेफिनेटली वाटरफॉल आप लगा सकते हैं, बट सही दिशा में लगाएंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, दैट इज नॉर्थ। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक नए Q&A सेशन के साथ आए हैं, आकृति के साथ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वास्तु से रिलेटेड जो आज हम आकृति से पूछेंगे। सो आकृति, बिफोर एवरी क्वेश्चन मैं अपना एक क्वेश्चन या बहुत ही कॉमन डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि वास्तु एक नई टर्म मेरे को लगती है, क्योंकि लोग बहुत सालों से जीते आ रहे हैं, लोगों की लाइफ बहुत लंबी थी, मतलब हमारे एंसेस्टर्स बहुत थे, बट पहले ये वास्तु बहुत ज़्यादा नहीं चलता था। ये शायद अभी इस मॉडर्न टाइम में या इस कुछ सालों में वास्तु हमारे लिए बहुत कॉमन टर्म हो चुका है, इसके क्या रीजंस हैं? पहले भी वास्तु इफेक्ट करता होगा, बट लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान देते थे जब? देखिए, वास्तु पहले भी था और अभी भी है, जस्ट कि लोग उसको ऐसे नोटिस करने लगे हैं कि वास्तु इफेक्ट कर रहा है, वास्तु दोष हो गया है ऐसे, बट दोनों टाइम पे वो इफेक्ट करता था, अभी भी इफेक्ट करता है और पहले भी इफेक्ट करता था, बट फर्क इतना है कि पहले इतना इफेक्ट नहीं होता था। जैसे लोगों का सवाल होता है कि पहले तो नहीं होता था, पहले इतना नॉलेज नहीं थी, कोई वास्तु कंसल्टेंट भी नहीं होते ड्रग से, और वो कुछ भी इतने प्रॉब्लम्स लोग नहीं फेस करते थे। मगर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और वो वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं या फिर वो पूरा नॉलेज उसका कोर्सेज बहुत कुछ आजकल ग्रो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले के टाइम पे लोग बेसिक वास्तु फॉलो करते थे, अभी वो बेसिक वास्तु भी फॉलो नहीं करते, और फ्लैट सिस्टम है उसमें तो हो ही नहीं सकता है कि वो फॉलो करके उसको बनाए, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरा, लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है। पहले की लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली सिंपल होती थी, मगर अभी बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, कुछ शो ऑफ के वजह से, या फिर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेज हम यूज़ करते हैं, या कलर कॉम्बिनेशन, इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं आजकल के प्रेजेंट लाइफस्टाइल में, उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की वजह से, जिससे कि वो हमारे फाइव एलिमेंट से डिसबैलेंस हो गया है। इसमें जो आपके अप्लायंसेज हैं उसमें लाइक आपके स्टोव आते हैं या कुछ और चीज़ भी आती है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी वॉशिंग मशीन है, आप सिंपल सी चीज़ें ले लो, लोगों को लगता है कि वास्तु में वॉशिंग मशीन भी इफेक्ट करती है, या इन्वर्टर की प्लेसमेंट भी वास्तु के हिसाब से रखेंगे तो कैसे चलेगा, बट आपको रखनी पड़ेगी। आपके घर में जो एक एक चीज़ है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी अप्लायंसेज है, वो आपके घर का एक पार्ट है, और वो आपको इफेक्ट देगा ही देगा, 100% देगा। वो सुनने में लगता है अजीब कि हाँ वॉशिंग मशीन भी वास्तु में आ गए, ऐसा नहीं है, ऐसा डेफिनेटली है। आपको हर चीज़ इफेक्ट देती है जो आपके घर में आप खरीद के लाएँ अपने पैसों से, ठीक है, आपकी हार्ड एंड मनी से जो भी आपके घर में आया है वो आपको 100% इफेक्ट देगा, ठीक है। टॉयलेट्स में अगर इसकी बात करें तो? टॉयलेट्स तो देखिए, पहले के टाइम पे इतना, आपने पूछा ना कि वास्तु दोष इतना नहीं होता था, ये वास्तु के बारे में लोग इतना डिस्कस नहीं करते थे, और कोई भी चैलेंजेस भी इतने डिफिकल्ट फेस नहीं करते थे, पर आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। उसका मेजर रीज़न जो वास्तु में वो है वॉशरूम्स, सेप्टिक टैंक्स, ये सब। अब आप ये देखो, पहले के टाइम पे वॉशरूम्स तो घर में होते ही नहीं थे, सिर्फ नहाने का एक स्थान होता था, और वॉशरूम्स के लिए वो बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर जाते थे उसको यूज़ करने के लिए। तो ये डिफरेंस आ गया। अब इस आज के आप लाइफस्टाइल देखो, आपके जो घर है उसमें रूम के अंदर ही हम अटैच वॉशरूम्स बनाते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम्स बन रहे हैं, तो ये चीज़ तो कॉमन है। अब पहले के टाइम पे आप इसमें डिफरेंस देख लो, एक चीज़ जो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, वो आपके घर से बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर है, और अभी वो आपके रूम के साथ ही अटैच है, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी। अगर वो नेगेटिव एरिया में आ गया, तो नेगेटिव में तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर वो पॉजिटिव एरिया में आ गया, तो जिस पॉजिटिव एरिया में वो आया है, आपको उसी का ही ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसे चैलेंजेस आप फेस करोगे। तो वॉशरूम्स हो गए। अब अप्लायंसेज जो है, आपने बोला कि इसके इफेक्ट हैं, डेफिनेटली हैं। पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, इन्वर्टर्स नहीं होते थे इतने, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी वॉशिंग मशीन रोटेशन चीज़ को, चर्निंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर वही चर्निंग आपकी पीसफुल जगह पर आ जाए, जहाँ पर मंदिर होने चाहिए, तो आप खुद सोचो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो आपको, आपके पीस को डिस्टर्ब करेगा, आपके माइंड डिसीजन मेकिंग पावर से आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। वही जो आप स्टोव है, पहले के टाइम पर चूल्हा जलता था, ठीक है, चूल्हा जमीन पे बना के मिट्टी से बनाते थे, वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो अग्नि जो है वो अर्थ में जल सकती है, बिल्कुल 100% बहुत अच्छी होती है। पहले चूल्हा जलता था, वो अपने आप में ही बैलेंस कर रहे हैं। आजकल आप जहाँ भी किचन बना रहे हैं, पहले तो किचन का जोन देखना पड़ रहा है, वाटर में जा रहा है या वो वेस्ट में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, किस एलिमेंट के अंदर
लाई कर रहे हैं। उसके बाद उसमें वो इतने कलर कॉम्बिनेशन उसमें डाल दिए, प्लेटफॉर्म कलर डाल दिया, ये सब। और आजकल हमने देखा है कि जो स्टोव है वो ब्लैक कलर का बहुत कम यूज कर रहे हैं। ये तो बहुत ही कॉमन चीज में सबके, जितने भी हम विजिट करते हैं या कंसल्टेशन देते हैं उसमें ब्लैक कलर का स्टोव तो 95% मैं बोलूंगी वो सबके घर में है और बहुत कॉमन तरीके से, और हमें पता भी नहीं कि वो हमें इफेक्ट कर रहा है। सो इज इट गुड और इट इज नो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एट ऑल गुड। वो कहीं भी ठीक नहीं है, उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। आपको जहां भी जाएगा वो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इफेक्ट इस वजह से आ रहा है। तो आप किचन देखो वो गड़बड़, पहले चूल्हा चलता था और अब आप स्टोव ले रहे हैं वो भी गलत जोन में लेके जा रहे हैं। वाटर अग्नि है, ये अग्नि को आप पानी की जगह पे लेके जा रहे हैं, तो इट्स अ डिस्टर्बेंस। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इफेक्ट दे रही है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वजह से आपको इसका इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज द रीजन कि पहले के टाइम पे वास्तु लोग इतना डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि वो बेसिक वास्तु फॉलो करके रखते थे और लाइफस्टाइल सिंपल होने की वजह से इतना इफेक्ट नहीं आता था। अब ना तो वास्तु की नॉलेज है और दूसरा वो लाइफस्टाइल भी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट कर दी उन्होंने कि वो दोनों में डिस्टर्बेंस हो गया। तो इनको इसकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है या फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज है वो लेनी पड़ रही है। सो आकृति, हम अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रियली आपके करियर को इफेक्ट करेगा? करियर का तो पता नहीं, बट हेल्थ को ज़रूर इफेक्ट करेगा, और वो भी ऐसी हेल्थ जो बहुत ही मेजर हेल्थ इश्यूज़ में आती है, उसकी काउंटिंग में आती है और जो आसानी से ट्रीटेबल नहीं है। तो ये किस जोन, आप एन की बात कर रहे हो, एनएनई या एनी की बात कर रहे हो? मैं एग्जैक्टली एनी की बात कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ, ईशान कोण हम इसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमली सेंसिटिव एरिया है। नॉर्थ ईस्ट एक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरे घर का दिमाग है, ब्रेन एरिया है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में हर एक एरिया का एक अपना पार्ट है, आपका ब्रेन है, आपकी आईज हैं, नोज हैं, इस तरीके से आपके घर में एक एरिया होता है जो ब्रेन को गमन करता है, सबका दिमाग वहाँ से चलता है उस एरिया से। अब वहाँ पे अगर अग्नि जलेगी तो एक तरीके से आप गुस्सा उसमें डाल रहे हो दिमाग में, तो जब गुस्सा आएगा तो आप कोई भी काम अपने पॉइंट पे नहीं कर पाओगे, सही तरीके से नहीं कर पाओगे, तो वो डिस्टर्बेंस लाएगा। और जब माइंड ठीक से काम नहीं करता तो हेल्थ इशूज़ और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस में आती हैं। सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं, मैं तो हेल्थ इश्यूज इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्टली हेल्थ इश्यूज से कनेक्ट करेगा ही नॉर्थ ईस्ट, मेजर हेल्थ इश्यूज जो आसानी से ट्रीट नहीं होते। तो टॉयलेट एनएनई में आ सकती है फिर तो, अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं आए तो? टॉयलेट ना तो एनएनई में आ सकती है और इवन नॉर्थ में भी नहीं आ सकती, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। बट नॉर्थ ईस्ट में तो ट्रीटेबल ही नहीं है। अगर कोई आपसे इसका सोल्यूशन भी देना कि आप इससे सॉल्व कर लो, ये काम कर जाएगा इसकी रेमेडी, आप ट्रस्ट मत करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इतना सेंसिटिव एरिया है कि आप उसमें उसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। आप उसको थोड़े दिन कर ठहराव तो दे सकते हो रेमेडी करके, मगर पूरी तरीके से उसका इफेक्ट खत्म नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो वो फिर आपके पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा अगर हर तरीके से, अगर माइंड डिस्टर्ब है। आप सोचो ना, आप एक हेल्दी बॉडी है वो अच्छे से काम करिए, अगर पैसे कम भी हैं वो ठीक से लाइफस्टाइल चल ठीक ठाक भी है तो काम हो जाएगा, मगर अगर माइंड ही काम नहीं करे तो सब कुछ डिस्टर्ब है। तो इस वजह से अगर माइंड ठीक है, माइंड का एरिया ठीक है, तो आपकी हेल्थ ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, डिसीजंस ठीक है, रिलेशनशिप्स ठीक है। तो आप क्या कहेंगी कि हम नॉर्थ ईस्ट को खाली रखें, अगर कुछ हम चीज ना यूज करें यहाँ पे तो क्या वो ज्यादा इफेक्टिव होगा? खाली देखिए, आपके लिए गलत वो है जो या तो डिस्पोजिंग एक्टिविटी है जैसे कि वॉशरूम्स, या फिर वो जो आपके लिए काम करनी है जैसे कि कूड़ा कबाड़, जितना भी क्लटर है वो सब आप नॉर्थ ईस्ट से डिक्लटर कर दीजिए। सब कुछ वहां से जो काम करने है उसे वहां नहीं रखना। भारी वो सामान है जो आपके लिए काम का नहीं है। पैसे भारी नहीं होते, आप बोरी ले लो पैसों की वो रख दो नॉर्थ ईस्ट में, वो भारी नहीं है। अगर आप वही कुछ भी ऐसा सामान जो काम का नहीं है, खराब सामान है फिर भी रखा हुआ है कि सालों बाद काम आएगा, वो काम का नहीं है तो वो खराब है, वो नहीं रखना। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट में भारी रखना है, हल्का रखना है, ये सबको फॉलो नहीं करना। आपको सिंपल ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है, वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, या वो कोई ऐसी मशीनरी तो नहीं है, कोई फायर ऑब्जेक्ट तो नहीं है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाटर को रिजेंबल करता है, वाटर एक्टिविटी आएगी बहुत अच्छा है, खाली रखेंगे तो भी ठीक है। बेडरूम भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिपेंड करता है किसका बेडरूम आ रहा है, वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट को सिंपल लैंग्वेज में बोले, वास्तु के टर्म्स में, तो ये टेंपल एरिया को रिजेंबल करता है, मेडिटेशन एरिया, टेंपल एरिया, पीसफुल एरिया, तो आप यहाँ पे मेडिटेशन रूम यहाँ आ सकता है, डेफिनेटली बेस्ट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में टेंपल एरिया को डिजाइन करते हैं, मेडिटेशन रूम, योगा रूम, इस तरीके की चीजों को डिजाइन करते हैं, या स्टडी रूम भी, इवन ऑफिस एरिया, वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आकृति, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अगर आपकी स्टेयर्स आपके घर के सेंटर में है, एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान में है, तो क्या वो रियली नेगेटिविटी को जनरेट करेंगी या वो अच्छी नहीं है हमारे लिए? डेफिनेटली देखिए, ब्रह्मस्थान ना एक सोर्स ऑफ एनर्जी पॉइंट है हमारे घर में, ठीक है। जैसे बॉडी के लिए एक नेवल पॉइंट जो होता है, उससे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी माँ से नेवल से कनेक्टेड होता है, तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वैसे ही आपके घर में जो सेंटर है आपके घर का, वहाँ से सारी एनर्जी फ्लो
गवर्न होता है. तो अगर वहाँ पे आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा ही. अब उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें हम ये देख सकते हैं कि ब्रह्मस्थान में अगर कोई भी हैवी चीज़ है ट्राई टू अवॉइड, उसे आप नहीं लीजिए. हैवी में मतलब हैवी बॉल कहेंगे, कॉलम कहेंगे, अगर कोई पिलर आ गया है हैवी, वैसे तो ये बॉल पिलर भी नहीं होते, मगर ब्रह्मस्थान पे हम यूजुअली ये चाहते हैं कि वो थोड़ा दूर रहे, उससे उसको खाली रखें. डिस्टेंस आप सजेस्ट करते हैं? एटलीस्ट 3 to 4 feet या 2.5 feet. ओके, इतना तो आप उसको डिस्टेंस सर्कुलर फॉर्म में उसको दूर रखें. उतना तो आप डिस्टेंस रखें कि उस पर सब कुछ उसी पे पॉइंट पे शुरुआत नहीं होनी चाहिए. खासकर सीढ़ियाँ तो नहीं, सीढ़ियाँ और जो गड्ढा है कोई पिट है वो तो दोनों ही वर्जित हैं. आप समझो कि ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए ब्रह्मस्थान पे. अगर ये आते हैं तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा ही होगा. हेल्थ इश्यूज या बैक पेन इश्यूज या फिर स्टमक इश्यूज, ये तो देखे ही जाते हैं. और साथ में ग्रोथ जो होती है, एक प्रोजेनी जिसे बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ इश्यूज, ये देखे जाते हैं. या फिर जो फैमिली में ग्रोथ है, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली, जैसे भी, वो भी डिस्टर्बेंस में आती तो है. अगर ब्रह्मस्थान से सब चीज ब्रह्मस्थान से गवर्न होती है. हाँ, सारा जितना भी एनर्जी फ्लो है वो ब्रह्मस्थान से कनेक्टेड है. जब आप घर बनवाते हैं, सबसे पहले जो एनर्जी स्टार्ट होती है आपके घर में आना, अगर 45 देवताओं की बात करें इन डेप्थ, तो सबसे पहले ब्रह्मस्थान की ही एनर्जीज आपके घर में आती है जब आप घर बनवाते हैं. तो ये एंड तक हमेशा रहेंगे जब तक वो घर में आप रहते हैं. तो इस वजह से आपको उसको पॉजिटिव रखना है. उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें जो उसको डिस्टर्ब करें वो नहीं रखनी है. ट्राई टू अवॉइड कि आप उसे खाली रखें. लोगों को लगता है कि नहीं खाली रखना ऐसा कुछ मिथ है, ये तो ये मिथ नहीं है, ये ट्रू है. आप उसको खाली रखेंगे. खासकर सीढ़ियाँ वहाँ से नहीं जानी चाहिए, गड्ढा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पिलर भी नहीं हो तो बेहतर है. बाकी है तो रेमेडी, आप उसको वॉल को थोड़ा सा लाइट कलर करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, मगर नहीं हो तो बेहतर है. बट अगर हम ये केस देखें कि किसी के सेंट में स्टेयर्स हैं और अनअवॉइडेबल हैं, नहीं हटा सकते, तो क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम उसको? देखिए, स्टेयर्स हटाना ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है इस चीज़ का. बट अगर किसी केस में वो नहीं कर सकते हैं तो आप उसको बिल्कुल लाइट क्रीम या वाइट टोन, येलो यूज कर सकते हैं. येलो तो नहीं, वाइट क्रीम या ऑफ वाइट कलर की टोन में आप इस्तेमाल करिए उसकी सीढ़ियों पर ज़्यादा से ज़्यादा, या मार्बल वाइट यूज़ करिए. और वहाँ पर उस एरिया को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के लिए उसको बिल्कुल क्लीन रखिए, और वहाँ पे कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन मत करिए. ये तो आप ये कर सकते हैं, बट बेहतर है कि वहाँ से सीढ़ियाँ थोड़ी दूर हों. 3 feet के तो एटलीस्ट आप दूरी बनाएं, उसके बाद आप ले सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति, अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी वाटर एक्टिविटी हो रही है, कोई भी वाटर बॉडी आ रही है, तो क्या वो हमारी वेल्थ को इफेक्ट करेगी? देखिए, साउथ ईस्ट सबसे पहले देखते हैं कि वो किस चीज़ की दिशा है, उसके बाद वाटर एक्टिविटी, वाटर टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे. साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट की दिशा है, जिसमें अग्नि को बेसिकली वो गवर्न करते हैं. और साउथ ईस्ट एक कैश एंड लिक्विडिटी की भी दिशा है, जो हमारा लिक्विड कैश या फिर वेल्थ इस चीज़ को दिखाती है. ठीक है, या फिर हम ये सकते हैं हमारी लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, ईज, इस चीज़ को दिखाती है. अगर वहाँ पे आप ये समझिए फायर ये सारी चीज़ों को गवर्न कर रहा है, इसमें अगर हम कोई भी वाटर एक्टिविटी को ऐड ऑन कर दें तो फायर डिस्टर्ब होगी या वाटर? फायर डिस्टर्ब होगी. ठीक है, तो जो भी चीज़ें फायर से कनेक्टेड हैं, साउथ ईस्ट से कनेक्टेड हैं, वो डिस्टर्ब में आ जाएंगी. तो कैश एंड लिक्विडिटी इससे गवर्न होता है. इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती हैं. साउथ ईस्ट सबको, यूट्यूब सब देखते हैं तो सबको मालूम है कि हाँ, साउथ ईस्ट से कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है, तो ये इससे पैसे का जो फ्लो है वो समझ में आता है. बट इसके साथ साथ, पैसों के फ्लो के साथ साथ, ये बहुत सारी अदर चीज़ें भी कनेक्ट करते हैं. जैसे कि आप जितने भी एक्सीडेंट्स देखते हैं वो साउथ ईस्ट से कनेक्टेड होते हैं. कोर्ट केसेस देखते हैं, जब गवर्नमेंट पेनल्टीज लगती हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होते हैं अननेसेसरी, ये सब आप साउथ ईस्ट से देखते हैं. सो इट इज बिकॉज़ ऑफ वाटर एक्टिविटीज इन साउथ ईस्ट? नहीं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट. ये बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं. बहुत सारी नेगेटिव चीजें साउथ ईस्ट में आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए. उसे वाटर तो है ही, बट वाटर की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें अदर चीजें भी हैं. जैसे कि आप देखें, जितने भी लॉसेज है, फाइनेंशियल लॉसेज, वो साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है. आप देखें कि जो फायर एक्सीडेंट्स हैं वो सब साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है. जो भी नॉर्मल एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें भी साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है. अगर आपको थेफ्ट की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल लॉस, अगेन वही चीज़ है. या फिर कोर्ट केस इश्यूज हैं, गवर्नमेंट पेनल्टीज लग रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रहे हैं बार बार, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको लेटर आ रहे हैं, तो साउथ ईस्ट डिस्टर्बेंस में है. इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. अब ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है साउथ ईस्ट में, ये वाटर की वजह से भी हो सकती है. और ये कुछ ना कुछ ब्लैक कलर आने से, डार्क कलर्स आने से, जो स्पेस को दिखाते हैं स्पेसिफिकली, उसके आने से भी हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर साउथ ईस्ट में आती हैं, या उसमें एक भी चीज़ अगर साउथ ईस्ट में आती है, तो आपको कोई ना कोई लॉस या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी जो साउथ ईस्ट से कनेक्ट होता है. तो इसमें अगर और चीज़ ये देखें कि लोगों की फैक्ट्रीज होती हैं और उनका घर होता है, तो आप क्या बताते हो कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि उनके दिक्कत घर में है साउथ ईस्ट में, अगर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इशूज़ आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं,
तो उन्हें अपने घर का साउथ ईस्ट चेक करना चाहिए या अपनी फैक्ट्री का साउथ ईस्ट चेक करना चाहिए? सबसे पहले घर का साउथ ईस्ट चेक करना चाहिए, मतलब सारा काम घर से गवर्न होता है। डेफिनेटली सारी चीजें हम घर से करते हैं। हम काम करके वापस घर जाते हैं, सुबह वापस घर से अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं। हम दान पुण्य सब कुछ अपने घर से करते हैं, ठीक है। फैमिली जिसके लिए हम काम करें वो घर में ही रहती है, तो सारी चीजें आपके घर से कनेक्ट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर को बैलेंस किया और फैक्ट्री में जो हो रहा है जहाँ हो रहा है वो होने देते हैं, ऐसा नहीं। वो इफेक्ट देता है मगर इस लेवल पे नहीं देता जितना आपका जो घर है वो देता है। घर बैलेंस है तो काफी सारी चीजें आपकी फैक्ट्री में ऑटोमेटिकली आप बैलेंस देखेंगे। अगर नहीं भी बैलेंस है तो वो हो जाती है बैलेंस, इतना आपको मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। बट आप ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, उसको भी बैलेंस रखना है पर घर को सबसे पहले बैलेंस रखना है। तो साउथ ईस्ट घर में बैलेंस होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की जो किचन है, लोग के बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं कि जब भी आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट के अंदर है तो वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ लेके जाती है, तो क्या क्या आप इस पे क्या कहेंगी? नॉर्थ वेस्ट फाइनेंशियल लॉस को नहीं दिखाता, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट को दिखाता है। और नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है जो वेस्ट एरिया में आता है और वहाँ फिर भी फायर अलाउड होती है। तो डेफिनेटली आप किचन बट वो अर्थ एलिमेंट है तो उसमें फायर आ सकती है। हाँ डेफिनेटली आ सकती है। अर्थ एलिमेंट में तीन दिशाएं आती हैं जिसमें हम वास्तु में मानते हैं, उसमें से ये ऐसी ओनली दिशा है जिसमें हम फायर को अलाउ करते हैं। और दूसरी चीज ये अगर 16 दिशाओं के टर्म्स में देखें तो ये सपोर्ट एंड बैंकिंग की दिशा होती है। सपोर्ट आपको बाहर वालों से भी चाहिए और बाहर वालों से हमेशा प्यार से बात नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा के अपनी पावर को दिखाकर ये चीजें दिखाकर अपना काम निकलवाएंगे, ठीक है। अगर वो आपका काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उससे काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये जो आप दिखा रहे हैं अपनी पावर, गुस्सा दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, ये सब चीजें जो चीजें हैं ये फायर को दिखाती है। तो इसीलिए वहां पे हमें फायर इस्तेमाल करनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए उनकी। सो किचन नॉर्थ वेस्ट में आ सकती है, इट इज नॉट एट ऑल डेफिनेटली फायर बिल्कुल अलाउड है नॉर्थ वेस्ट में। किचन के फॉर्म में या कोई अदर जो फायर एक्टिविटीज हैं ये सब चीजों की फॉर्म में नॉर्थ वेस्ट में आप किचन प्लान कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। बट हाँ, उसे एक चीज देखी जाती है कि कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन रहता है फीमेल को। अगर किचन आप घर में नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो कुछ भी ऐसा हेल्थ इशू या फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं फीमेल आपसे परेशान रहेगी कि कुछ ना कुछ उसको शिकायतें रहेंगी, तो वो थोड़ी अनसेटिस्फाई रहेगी कि ये काम नहीं हुआ या वो काम नहीं हुआ ऐसा। बट उसके अलावा आप और कुछ ऐसे नेगेटिविटी नहीं देखेंगे और फायर डेफिनेटली अलाउ, फायर से कोई भी इशू नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमारे घर के अंदर हम वाटरफॉल की फोटो लगाते हैं, काफ़ी लोग बहुत यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को पेंटिंग का बहुत शौक होता है, तो वो वाटरफॉल की जो फोटो है वो शायद नॉर्थ में लगा देते हैं या कहीं भी लगा देते हैं, तो क्या उससे लोग ये कहते हैं कि उससे आपको कामनेस मिलती है, तो आपकी क्या राय है इसमें? कोई भी पॉजिटिव चीज़ आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा तो लगेगा ही देखकर उसको। आप उसको और अच्छा कर सकते हैं अपने घर में लगाकर अगर आप सही दिशा में लगाएं। सो वाटरफॉल को हम एज अ कामनेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कामनेस कह सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं। जो वाटर एलिमेंट है आपका उसको अच्छा पॉजिटिव और पॉजिटिव करने के जैसे आप बोल सकते हैं, तो कनेक्ट काफी सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं आप इस चीज को। तो डेफिनेटली वाटरफॉल आप लगा सकते हैं बट सही दिशा में लगेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, दैट इज नॉर्थ। कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ अवॉइड कर सकते हैं वाटरफॉल? नॉर्थ में तो आप डेफिनेटली लगाइए, आप ईस्ट में भी उसको ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कहाँ नहीं लेना वो है फायर, फायर एंड अर्थ, ये जो दिशाएं हैं उसमें आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए। हाँ, ये क्योंकि वाटर एंड फायर कोई मैच नहीं है और अर्थ एंड वाटर कभी मैच नहीं होता, इस वजह से आप यहाँ पे अवॉइड करिए। इसके अलावा नॉर्थ में आएगा, ईस्ट में आएगा या वेस्ट में भी इवन आ गया तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। सबसे अच्छा नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ है ही वाटर और वहाँ पे वाटर को वाटर की एक्टिविटीज जैसा कुछ दे देंगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा। बट उसमें लाइक काफी जगह देखा है कि लोग सनसेट के साथ वाटरफॉल लगाते हैं या बीच की फोटो लगा देते हैं जिसमें सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो अगर वही चीज नॉर्थ में आएगी तो क्या वो डिस्टर्ब करेगी क्योंकि सन इज रेड एंड नॉर्थ में फिर अग्नि चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि इतना सनराइज, सन जो है एग्जैक्टली फायर को नहीं दिखा रहा है, बट हाँ सन हम एयर एलिमेंट से भी जोड़ते हैं। बट यस, आपको अगर एग्जैक्ट लगाना है, अच्छी जगह पे लगाना है, इसी टाइप की जो आप पिक्चर्स बता रहे हैं ईस्ट में लगाए जिसमें सनसेट भी है, कोई बीच भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, तो ईस्ट में बहुत बेहतर मान सकते हैं। अगेन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपके घर में कोई भी लीकिंग टैप है, कोई भी वाटर बॉडी या कहीं से पानी फ्लो कर रहा है अननेसेसरी कि टैप बंद है बट फिर भी पानी बह रहा है, तो इज इट गुड और इट इज बैड? इट्स नॉट गुड वेल, क्योंकि बहता हुआ पानी अगर वो अननेसेसरी आप वो निकल रहा है कहीं से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसको देखेंगे कि वाटर हमारे इमोशंस को दिखाता है और अगर आप उसे अननेसेसरी वो बह रहा है
बिना वजह आपने यूज किया फिर भी उसमें लीकेजेस हैं, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्बेंस में आ जाएंगे, आप या तो ओवर इमोशनल होंगे या फिर आपके इमोशंस की कदर कहीं नहीं होगी, और साथ में ये हमारे मनी फ्लो को भी दिखाता है, तो मनी फ्लो भी डिस्टर्ब, साथ में जो आपका इमोशनल लेवल है वो भी डिस्टर्ब, तो जो इमोशनल लेवल डिस्टर्ब होता है तो माइंड सेट भी डिस्टर्ब होगा, तो माइंड भी डिस्टर्ब, इमोशनल लेवल भी डिस्टर्ब और वेल्थ भी डिस्टर्ब, तो इस वजह से इस तरीके की चीज़ें अवॉइड हों तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि हम किसी इस टॉपिक को ज़्यादा एलेबोरेट करें या इसकी एक सेपरेट वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके साथ आएंगे। और एक 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 मिथ पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो कि बहुत लोग अवॉइड करते हैं, कई लोग इस चीज़ में मानते भी हैं कि टॉयलेट की वॉल और किचन पास पास नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, और ये वास्तु में ना बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है कि वॉशरूम्स की वॉल के साथ हम किचन वॉल नहीं ले सकते। ये ठीक है, अगर नेचुरली देखा जाए तो बिल्कुल सही सवाल है उनका, बट वो डिपेंड करता है किस जोन में आपकी किचन आ रही है, किस जोन में आपका वॉशरूम आ रहा है। ओके, ठीक है, ये वॉल आने से या तो ये नेगेटिविटी क्रिएट नहीं हो गई है, वॉल आने से कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट अगर किचन गलत जोन में आ गई है और वॉशरूम भी गलत जोन में आ गए और वॉल भी दूर दूर है, तो इफेक्ट तब भी आएगा। तो इट्स बेटर कि आप दोनों चीज़ों को अपने सही जोन में लीजिए वास्तु के हिसाब से और रेमेडी के साथ लीजिए, तो आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, अगर साथ ही वॉल है तब भी नहीं तब भी। क्योंकि वॉशरूम अपना अलग काम कर रहा है, किचन अपना अलग काम कर रहा है, दोनों एक्टिविटी ही अलग है, बिल्कुल एलिमेंट वाइज भी देखें तो भी अलग है। आप सामने से देख रहे हैं वॉशरूम का काम क्या है, डिस्पोजिंग ऑफ करना, किचन का काम है फायरप्लेस, अग्नि जहाँ जलती है, उसमें वॉल कॉमन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सही जोन में आनी चाहिए, ये मेजर पॉइंट है। बट अगर फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ के लिए अगेंस्ट होते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने टॉयलेट सीट में और आपके स्टोव में डिस्टेंस रखिए, कुछ ऐसा? इतना तो डिस्टेंस नॉर्मली देखिए होता ही है, अगर आप किचन और वॉशरूम को देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टोव का प्लेस बिल्कुल वॉल से सटा के रखा हुआ है, उसके बाद ही टॉयलेट वॉशरूम शुरू हो रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, और उसके बाद भी बहुत दूरी होती है फिर भी प्रॉब्लम है लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि ये साथ में आने से वॉल कॉमन होने से प्रॉब्लम होगी, नहीं, वो सही जगह पे अग्नि जलनी चाहिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कॉमन वॉल ही क्यों ना हो। स्वागृति, हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कुछ हमारे अप्लायंसेस होते हैं जो कि हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं घर में, मैं दो के बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, दैट इज़ वॉशिंग मशीन एंड इन्वर्टर, इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं और कहाँ हम इन्हें सही जगह प्लेस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। श्योर, देखिए वॉशिंग मशीन एक रोटेशन दिखाती है, ठीक है, रोटेशन के साथ साथ अब ये रोटेशन कहाँ फिट बैठता है, आप जैसे अपनी एक बॉडी है, ठीक है, उसमें आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, ऐसे ही अपने घर में ना हर एक चीज़ की एक अपनी परफेक्ट प्लेस दी गई है, वास्तु टर्म्स में, वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से, बेहतर होगा अगर हम उसको प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो अगर एक वॉशिंग मशीन के आप अगर स्पेसिफिक पूछते हैं, तो वॉशिंग मशीन रोटेशन चीज़ को दिखाती है, रोटेशन चीज़ फिट बैठती है ESC जोन में, अगर वास्तु टर्म्स में अगर उसको वास्तु करें, किसी भी प्लान का आप डायरेक्शन मार्क करें, 16 दिशाओं 16 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें, उसमें एक डायरेक्शन आती है ESC। ESC का काम क्या होता है, हर एक दिशा का अपना एक रोल है, ऐसे ही जो ESC दिशा है, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है, उसका काम है चर्निंग एंड एंग्जाइटी देने का, मतलब जहाँ पे चीजें चर्न होती हैं, रोटेट होती है, ठीक, तो वो रोटेशन दे रही है, तो रोटेशन की जितनी भी चीजें होंगी, सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं, जितनी भी चीजें रोटेट होती हैं, आपके किचन में जो मिक्सर है वो भी रोटेशन ही है, ठीक है, वो भी वास्तु के हिसाब से आप रख सकते हैं, अगर सही दिशा में आ जाए तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, और वो छोटी सी चीज अगर आप सही गलत दिशा में रखेंगे ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा उसका इफेक्ट आपको। लाइक इवन अ मिक्सर और हैंड ब्लेंडर, दे बोथ इफेक्ट्स सो मच इन वास्तु, बिल्कुल वो आपके ऊपर है कि कितना इफेक्ट आपको आएगा, मगर आएगा जरूर, ये पक्की बात है, अगर आप उसको इतनी छोटी सी चीज को भी सही दिशा में रख देंगे ना, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप ये वॉशिंग मशीन के बारे में ही पूछते हैं, तो वॉशिंग मशीन चर्निंग की दिशा, चर्निंग की एक्टिविटी है, वो चर्निंग की दिशा में हमें फिट करना है, ठीक है, ESC दिशा में अगर हम वॉशिंग मशीन को प्लान करते हैं, तो उससे जो एंग्जाइटी इशूज आप देखते हैं या फिर ओवर थिंकिंग इशूज देखते हैं, वो बिल्कुल लोअर डाउन हो जाते हैं। क्या हम इसे डिप्रेशन से रिलेट कर सकते हैं कि एंग्जाइटी होती है लोगों को, या वो चीज़ डिफरेंटली बिल्कुल अलग ही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, अब एंग्जाइटी किसी भी रीजन से हो सकती है, डिप्रेशन है या ओवरथिंकिंग है, ठीक है, किसी भी चीज़ की बाल की खाल निकालने की बात है, वो सारी चीज़ें ओवरथिंकिंग को दिखा रही है, जितनी जरूरत नहीं है उतना आप सोच रहे हैं, तो वो क्या है, ओवरथिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग दिखा रहा है, और एक्सेसिव थिंकिंग जब होती है तो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन भी है अगर,
तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप अभी तक पास्ट में ही हैं, उसकी चीज़ें चली जा रही हैं बार 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 बार, तो ये भी चीज़ें उसी से कनेक्ट होती हैं। तो इस चीज़ को, वॉशिंग मशीन को अगर आप ESC में फिट करते हैं तो बेस्ट प्लेस रहेगी उसके लिए। अगर कहीं और आती है तो आपको बैलेंस करके रखना है, वो डिपेंड करता है किस जोन में आप प्लेस कर रहे हैं, बट बेस्ट दिशा ESC है, क्योंकि वो आपको जो दिशा को चाहिए आपने उसको वही दे दिया, तो काम हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी वो चीज़। अगर आप यही सिंपल सी चीज़ वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर्स कॉन्टिन्यूसली नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखना शुरू करो, तो आप ये देखेंगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़रूरत नहीं है, आप उतना उतना इन डेप्थ जा रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, और आप उसकी वजह से आपका माइंड परेशान है, मन परेशान है, हर तरीके से मेंटली फिजिकली आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी इशूज़ देखते हैं, इशूज़ आते आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। इन्वर्टर एक फायर की दिशा से कनेक्ट होता है, क्योंकि इन्वर्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स है सबसे पहले, और उसमें हीट, अच्छा हीट से आप रिलेट कर पा रहे हैं इसको, जब भी हीट उसमें किसी भी अप्लायंस से प्रोड्यूस होगी तो आप उसको, और वो इलेक्ट्रॉनिक भी है तो आप फायर से कनेक्ट करेंगे ही उसको। तो सबसे अच्छी दिशा फायर है, जैसे कि साउथ ईस्ट की दिशा हो गई, SSC हो गई, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ दिशा, या फिर आप उसको देखें नॉर्थ वेस्ट दिशा। नॉर्थ वेस्ट एक सपोर्ट कह रही है, अब इन्वर्टर क्या है आपके लिए सपोर्ट है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इट वर्क्स एज अ बैकअप फॉर यू, सपोर्ट सपोर्ट है ना आपके लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही सिंपल आप उसको सपोर्ट की दिशा में रखें, आपको सपोर्ट ही तो चाहिए, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप उसको इन्वर्टर को नॉर्थ वेस्ट दिशा में प्लान कर सकते हैं, या फिर फायर की दिशा में, और कहीं भी जाएगा तो बैलेंस होकर जाएगा, और आप उसमें भी सेंसिटिव दिशा में उसको डेफिनेटली अवॉइड करें, लाइक साउथ वेस्ट दिशा सेंसिटिव दिशा है, नॉर्थ ईस्ट एक सेंसिटिव दिशा है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके का जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और डायरेक्टली बहुत ज्यादा इसमें अप्लायंसेस इस तरीके के हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप अवॉइड करें। सो आकृति, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग सेशन विद यू, और आई होप कि हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशंस को, जो भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं हम आपसे पूछेंगे, आप उनके आंसर करेंगे। अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें आपको खाली येस और नो कहना है, वी डोंट वॉन्ट द लॉन्ग आंसर्स, लाइक यू शुड बी एज शॉर्ट एज यू कैन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, साउथ फेसिंग होम्स ब्रिंग पॉवर्टी? नो। किचन कैन बी ईस्ट डायरेक्शन? Definitely, yes. Family head bedroom should always be in southwest? No, it's not like that at all. Southwest entrance is worst? Is extremely worst. Okay. Mirror reflects away problems? No, it's not like, it's a myth. Okay. Laughing Buddha brings luck to you? No, not at all. Vasu is scientific? Yes, it is scientific. It is scientifically proven properly. Colors play a vital role in Vastu. Extremely vital role. Extreme vital role they play. Can Vastu help in improving health? Definitely. Yes. I think, Agri, this health topic is quite sensitive and quite elaborative. Yes. I think we will make a separate session for it, that in which we will cover specifically health part. The last question for this session is, Vastu is only for the Hindus or the culture specific? No, it's not just for Hindus, it's for everybody. It's not about culture specific. Everybody should follow Vastu, I must say. It's not about Hindu religion or something. It comes from that, but it's not just for them. Okay. So definitely we should follow, everybody should follow this, maximum they can. So this is it. Thank you, Agruti. It was quite a good session with you. Thank you so much.